नमस्कार दोस्तों, बीएसपीएससी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस टेक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, जो परंपरागत टॉपिक के अंतर्गत आता है और यहां से अक्सर जो है प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य स्तरों पर जो है सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश, और उसके नीचे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, एक्चुअली ये तीनों टॉपिक ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्यों रखा गया है। तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने के कारण से एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं जिससे आपको एक रेफरेंस मिलता है और एग्जाम में इनसे संबंधित सवालों को हल करने में मदद मिलता है। और लास्ट में हम लोग इसके एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग को देखने का प्रयास करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में ये बातें निकल करके सामने आती हैं कि मैक्सवेल ने जो है अपने प्रयोगों में इस बात को जो सिद्ध किया था कि यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा को जो है उच्च आवृत्ति के साथ प्रवाहित किया जाए तो वहां पर जो है ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रवाहित होने लगती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। यहां पर एक शब्द है परिपथ। साधारण शब्दों में जिसे हम रास्ता कहते हैं, पथ कहते हैं, उसे ही हम फिजिक्स या साइंस टेक की दुनिया में जो परिपथ या सर्किट कहते हैं, जो एक चारों तरफ जो है चलने वाला या बहने वाला मार्ग होता है। तो ये विद्युत धारा के संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है। मैक्सवेल ने अपने प्रयोगों में इस बात को सिद्ध किया था, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति के साथ विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो वहां परिपथ में जो है ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रवाहित होने लगती है और इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रकाश की गति से चलते हैं और इनका जो स्वरूप नेचर होता है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। तो ये व्यवस्था हो गई विद्युत चुंबकीय तरंगों का, दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश। अभी यहां पर इसके पूर्व में प्रकाश की गति की बात हुई और उसमें बताया गया कि किसी मार्ग की जरूरत नहीं है। सूर्य के जो प्रकाश की स्थिति है, सूर्य के प्रकाश में सात प्रकार की जो है तरंगे मिल करके जो है दृश्य प्रकाश का निर्माण करती है और इस दृश्य के प्रकाश में जो है सात रंग जो है एक क्रम से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सात प्रकार के जो है रंग इसमें होते हैं। अब इन रंगों का हम परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, सात प्रकार के रंगों से मिलकर के जो है ये बना होता है और इसे ही जो है दृश्य प्रकाश की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें जो बैंगनी कलर है और लाल कलर है, बैगनी एकदम प्रारंभिक है और लाल उसमें सबसे बाद में है। तो लाल रंग का प्रयोग जो है हमने देखा कि ट्रेन में सिग्नल का जो है प्रयोग करने के लिए जो है किया जाता है, ट्रेन में सिग्नल के लिए जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, उसका जो है विचलन और परकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो वो फीका पड़ जाएगा, वो क्लियरिटी उसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए विचलन और परकीर्णन मतलब स्कैटरिंग यानी कि बिखरना तो सबसे कम होता है, इसीलिए जो उसको प्रयोग में लाया जाता है। जबकि वेग और तरंग दैर्ध्य वेलोसिटी एंड जो है वेव लेंथ उसका जो है सबसे ज्यादा होता है, यानी कि कहीं पर भी कोई भी वस्तु सामने आती है तो वहां तक सबसे पहले लाल रंग पहुंचती है। तो इन दोनों ही कारणों से जो है रेलवे की व्यवस्था में लाल रंग को सिग्नल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ताकि वो सबसे पहले दूरी तक जो पहुंच सके और उसके जो है बिखराव को कम किया जा सके। तो लाल रंग का प्रयोग इस मामले में होता है कि जिसका विचलन और परकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि वेग और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और बैंगनी के संदर्भ में बात किया जाए तो सेम इसका उल्टा पाया जाता है कि बैंगनी का विचलन और परकीर्णन सबसे जो है अधिक होता है, जबकि वेग और तरंग दैर्ध्य इसका सबसे कम होता है। तो ये व्यवस्था दृश्य प्रकाश के जो संदर्भ में रही है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, बाद में जो है गामा किरणें, एक्स किरणें, औरक्त किरणें, रेडियो तरंगों की जो खोज की गई, ये सारी तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं। और जब इन तरंगों को जो है हम एक क्रम से व्यवस्था में लगा देते हैं तो वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बन जाता है। अगर यहां पर ये देखने का प्रयास किया जाए तो एक्स किरणें और गामा किरणें, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, औरक्त किरणें और रेडियो किरणें, ऊपर से नीचे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे ही जो है लॉन्ग वेव आ रही है
ऊपर सबसे शॉर्ट वेव है और जैसे नीचे हम आ रहे हैं वो लॉन्ग वेव है, ऊपर माइक्रो है वेव और उसके बाद जो है छोटी, उसके बाद जो बड़ी वेव आती है। इसकी जो है विशेषता हम दो मेन जो है वेव में इसको विभाजित कर देते हैं, एक लॉन्ग वेव हो गया यानी कि जो है दीर्घ दीर्घ तरंगे और दूसरा जो है माइक्रोवेव। अब इसकी क्या परिभाषा है, अभी जो चार्ट ऊपर से नीचे दिखाई पड़ रहा है तो रेडियो जो है तरंगे जो होती हैं, रेडियो तरंगे ऐसी तरंगे जो रेडियो जिनकी जो है तरंग दैर्ध्य जो है रेडियो तरंगों से कम होती है लेकिन आवृत्ति उससे ज्यादा होती है, वह तरंगे ही माइक्रोवेव होती हैं। यहां पे तरंग दैर्ध्य की लंबाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि जिनकी जो है तरंग दैर्ध्य जो है वो रेडियो तरंगों से कम होगा लेकिन अब जब कम होगा तो उसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। आवृत्ति का मतलब जो प्रति सेकंड कितनी बार वो जो है उसकी संख्या मूव कर रही है या मूवमेंट उसमें क्या हो रहा है, वो आवृत्ति चीजें होती हैं। तो यहाँ पे माइक्रोवेव की जो परिभाषा है कि ऐसी तरंगें जिनका आवृत्ति जो है रेडियो तरंगों से ज्यादा लेकिन उनकी जो लंबाई या तरंग दैर्ध्य कम होती है वो माइक्रोवेव होती हैं, और रेडियो तरंगें और उसके ऊपर की जो है तरंगें जो हैं जिनकी की लंबाई या तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उससे और उनकी आवृत्ति कम होती है उसे जो है दीर्घ तरंगों के रूप में आ जाता है। रेडियो तरंगे जो हैं वो एक प्रकार की दीर्घ तरंगों के अंतर्गत लॉन्ग वेव के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो है बाकी जितनी भी जो है तरंगे जैसे गामा है, एक्स किरणें हैं, दृश्य है और इसी तरीके से और किरणें हैं, ये आपके माइक्रोवेव की जो श्रेणी में आती हैं। तो ये बातें जो है रही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो माइक्रोवेव और दीर्घ वेव का वर्गीकरण। अनुप्रयोग के संदर्भ में अगर हम लोग देखें जो हमारा दूर संचार व्यवस्था है, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहां पर जो है माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है और उसकी जो आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से जो टेलीविजन में प्रयोग में आता है उसमें सिग्नल होते हैं, उसमें कुल मिलाकर के फिगर चित्र बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग वेव का प्रयोग या रेडियो दोनों ही क्वेश्चन सही है। लॉन्ग वेव अगर कहा जाए तो भी सही है, रेडियो तरंगे कहा जाए तब भी सही है, क्योंकि रेडियो तरंगे एक प्रकार की दीर्घ तरंगों के अंतर्गत या लॉन्ग वेव के अंतर्गत जो आती हैं, तो यहाँ पर जो टेलीविजन में उसका प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं वह लघु जो है विकिरण के रूप में जो है आती हैं, और इसी तरीके से जब पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है तो दीर्घ जो है विकिरण के रूप में जो है जाती है। तो ये व्यवस्था रही विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, दृश्य प्रकाश के बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में और इनके अनुप्रयोग के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से, एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपको एक तकनीकी जानकारी जो है प्राप्त हुई, जो न केवल साक्षात्कार में बल्कि जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, और उस लिहाज से जो है ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में, आज के इस साइंस टेक के जो है इतनी ही टॉपिक को, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।